अच्छा, मैंने जो है वो आपको सिम्पसन रूल और वो सारे इंटीग्रेशन के पढ़ा दिए थे, तो अब उससे रिलेटेड जो हैं वो कुछ प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो हमने करने हैं। अब ये एक प्रोग्राम है सिंपल सिम्पसन रूल 1/3 के ऊपर, ठीक है। ये प्रोग्राम नंबर 71 है, ये प्रोग्राम 71, ठीक है, सिम्पसन 1/3 रूल। अब सिम्पसन 1/3 रूल जो है वो क्या है कि आई इज इक्वल टू एच ओवर 3 एफ नॉट प्लस एफ 6 प्लस 2 एफ 2 प्लस एफ 4 प्लस 4 एफ 1 एफ 3 एफ 5। ये हमने सॉल्व करना है, तो इसका सलूशन देखें कि इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच इंक्लूड कोनियो डॉट एच और इंक्लूड मैथ डॉट एच, ये सारे आ जाएंगे। फिर फंक्शन को डिफाइन करेंगे फ्लोट एफ फ्लोट एक्स और ब्रैकेट शुरू। अब वेरिएबल फ्लोट ए ए एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स फिर रिटर्न ए और ब्रैकेट क्लोज। आगे आ जाए विविड या इंट मेन, जो मर्जी आप लगा सकते हैं यहाँ पर, ब्रैकेट शुरू। अब फ्लोट स्टेप साइज एच को डिफाइन करेंगे, सम आ रहा है सीरीज के दरमियान वो डिफाइन करेंगे और उसको इनिशियलाइज कर देंगे। लो और अप लिमिट्स हैं, लो और अप लिमिट्स हैं उस इंटीग्रल की और कामा एन नंबर्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो बेसिकली आपके पास इंटीग्रल दिया हुआ है ना, वो ये वाला है 1 से 6 e की पावर x अंडर रूट डी एक्स, ये आपने कैलकुलेट करना है जहाँ पर n जो है वो 6 दिया हुआ है। इसके लिए सिम्पसन रूल लगाना है इस इंटीग्रल के ऊपर। अच्छा, अब ये सारे वेरिएबल्स जो हैं वो आ गए। अब आप जो है प्रिंट करवाएं पहले लोअर लिमिट को, काउट एंटर द लोअर लिमिट। लोअर लिमिट जो है उसको एंटर करवाएं,
नेक्स्ट लाइन, उसके बाद इनपुट दे सी इन लो की, फिर करें काउट एंटर द अपर लिमिट, फिर दे दें नेक्स्ट लाइन और फिर करें सी इन अप, फिर करें काउट एंटर एन, नंबर को एंटर करें नेक्स्ट लाइन, फिर सी इन एन। अब ये जितने वेरिएबल थे इनको मैंने एंटर करवा दिया इसके अंदर, पहले वेरिएबल डिफाइन किए हैं उसके बाद उनको एंटर जो है वो करवा दिया। नाउ अब आप देखें कि हमारे पास जो एच है इंटरवल वो होता है अप माइनस लो, स्लैश एन, ठीक है। इसको आप प्रिंट करवाएं काउट एन एच एंड एल, अब एच की वैल्यू जो है ये भी आ जाएगी। उसके बाद अब आप एक्सप्रेशन लिखें कि सम इज इक्वल टू एफ लो प्लस एफ अप, और फॉर लूप लगाएं आई इंट आई इज इक्वल टू वन I less than n I plus plus, ब्रैकेट क्लोज और नई ब्रैकेट शुरू। अब इसमें रिमाइंडर की हमें कमांड देनी पड़ेगी क्योंकि n 6 तक आपने इसको लेके जाना है। तो इफ I 2 बराबर है ज़ीरो के, तो ब्रैकेट शुरू सम सम प्लस टू स्टार एफ लो प्लस आई स्टार एच, ये आ जाए। अब सम को प्रिंट करवाएं काउट सम इज इक्वल टू सम एंड एल और ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद एल्स दूसरी आप जो सीरीज होगी, दो है ना इसके अंदर जो फार्मूला हमने लिखा है, तीन है बल्कि, एक दो तीन सीरीज हैं। तो एल्स सम, अब उसका एक्सप्रेशन दें सम प्लस फोर स्टार एफ लो प्लस आई स्टार एच, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को प्रिंट करवाएं काउट सम इज इक्वल टू सम एंड एल और इधर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी।
अब थर्ड वन रहेगी हमारे पास तो थर्ड वन के लिए आप देखेंगे सम इज इक्वल टू सम स्टार एच ओवर थ्री, ठीक है जी। काउट टोटल रिजल्ट अब आ जाएगा, सम एंड एल गेट एच और ब्रैकेट क्लोज। तो ये सिम्पसन्स वन थर्ड रूल लगा के आपने वो जो ऊपर वाला इंटीग्रल है उसको सॉल्व कर लिया। अब यही वाला जो इंटीग्रल है इसमें प्रोग्राम 70 जो है उसके अंदर ट्रेपेज़ॉइडल रूल लगा के कैलकुलेट किया गया, यही वाला जो इंटीग्रल। तो मैं करता हूँ इसको कैलकुलेट, प्रोग्राम 70 उसमें भी ये भी n 6 तक ही जा रहा है लेकिन यूज क्या करना है ट्रेपेज़ॉइडल रूल। ट्रेपेज़ॉइडल रूल से कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास यहाँ पर ट्रेपेज़ॉइडल रूल का जो फार्मूला होता है आई एच बाई टू एफ नॉट प्लस एफ सिक्स, क्योंकि एन सिक्स तक जा रहा है, प्लस टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ फोर प्लस एफ फाइव और ब्रैकेट क्लोज। अब ये सारा यहाँ तक ऐसे ही आएगा प्रोग्राम सारा, ठीक है। इधर से आप रिटर्न कर दें ए को, ठीक है जी, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। उसके बाद विविड मेन ब्रैकेट शुरू, अब वेरिएबल फ्लोट एच कॉमा सम लो अप कॉमा एन आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद ये वेरिएबल्स आ गए। अब आप एंटर करवाएं काउट एंटर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट जो है उसको एंटर करवाएं, फिर इसका इनपुट दें सीन लो, फिर एंटर करवाएं काउट एंटर अपर लिमिट
फिर सी इन अप, उसके बाद एन को करवाएं काउट, एंटर एन, एन नेक्स्ट लाइन के लिए, और सी इन एन। अब एच आ जाएगा आपके पास अप माइनस लो डिवाइडेड बाई एन, अब इसको जो है एच को भी एंटर करवाना पड़ेगा आपको काउट एन एच और एंड एल नेक्स्ट लाइन। उसके बाद फॉर लूप लगाएं, सॉरी फॉर लूप से पहले सम, सम हमारे पास क्या आएगा एफ लो आएगा प्लस एफ अप आएगा। उसके बाद फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, फॉर लूप लग गई। अब सम, अब एक्सप्रेशन लिखने हैं आपने, सम इज इक्वल टू सम प्लस टू स्टार एफ लो प्लस आई स्टार एच, ये एक्सप्रेशन आ गया। फिर इसको सम को करें प्रिंट या एंटर काउट सम सम एंडर। फिर वो एच बाई टू आ रहा है ना उधर, तो सम स्टार एच बाई टू और काउट टोटल रिजल्ट। एंड एल गेट एच और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपने क्या लगा दिया इसके ऊपर ट्रैपेज़ाइडल रूल, ठीक है जी। ट्रैपेज़ाइडल रूल की मदद से हमने कैलकुलेट कर, अच्छा जी ये दो हो गए। अच्छा इसी के ऊपर जो है, अगर मैं आपको कोई सी इंट्रीगल पर सिम्पसन 3/8 रूल लगाएं तो लगा सकते हैं, प्रोग्राम तो ऐसे ही लिखना हो जाएगा। ये प्रोग्राम नंबर 72 है, ये फिर आपने खुद करना है, इसको नोट कर लें। अच्छा उसके बाद है एक और इंटीग्रल है, चलिए ये मैं करवा देता हूँ आपको, थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। अच्छा अब जो है मैंने एक प्रोग्राम लिखना है सी प्लस प्लस का, वो 3/8 वाला तो आप कर लेंगे, ये प्रोग्राम नंबर 73 है, इसमें एक इंटीग्रल दिया हुआ है
वन टू टू एक्स अंडर रूट और लगाना है इसके ऊपर बोले जरूर, ठीक है, बोलेज रूल लगाना है और इसके लिए एक्सप्रेशन जो दिए हुए हैं आई टू एच ओवर 45 सेवन एफ नाट प्लस एफ एन माइनस 32 समेशन आई वन टू एन माइनस वन एफ ऑफ आई प्लस 12 समेशन आई टू टू एन माइनस टू भी छोटा एन कर लें एफ ऑफ आई, यहाँ इसको आप लिख सकते हैं आर आई इज इक्वल टू टू एच ओवर 45 सेवन एफ नॉट 32 एफ वन प्लस 12 एफ टू प्लस 32 एफ थ्री प्लस 12 एफ फोर अप टू सो ऑन सेवन एफ एन। ये अब ये वाली जो सीरीज दी हुई या बोले रूल की इसको क्या लगाना है, इस इंटीग्रल के ऊपर लगाना, ठीक है जी। तो अब हम इसके अंदर वही ऑर्डर आ जाएंगे हमारे पास, फिर सॉल्यूशन देखते हैं इसका, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, ठीक है जी, फिर इंक्लूड कोनियो डॉट एच और इंक्लूड मैथ डॉट एच, उसके बाद फ्लोट फंक्शन फ्लोट एफ फ्लोट एक्स और ब्रैकेट शुरू, ठीक है जी। यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे फ्लोट वाई, वाई बराबर है स्क्वेयर रूट किसका है एक्स का, और काउट एन एक्स एक्स टैब एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब वो वाई जो लिया उसको प्रिंट करना, अब रिटर्न कर दें वाई की वैल्यू, रिटर्न वाई और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आप आएँ फंक्शन को स्टार्ट करें, तो विविड मेन ब्रैकेट शुरू, अब करें वेरिएबल डिफाइन फ्लोट लो कामा अप कामा इंटरवल कामा सम ज़ीरो सम वन स्टेप लेंथ और मल्टीप्लिकेशन के लिए 32। अब यहाँ पर आप प्रिंट करवाएं, ये वेरिएबल तो डिफाइन हो गए, काउट एंटर द वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट
ऑफ इंटीग्रल, जो लोअर लिमिट है इंटीग्रल की उसको प्रिंट करवाएं, ठीक है जी। फिर इसको सी इन लो की इनपुट दें, फिर करें काउट एंटर द अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल, अपर लिमिट इंटीग्रल की एंटर करवाएं, फिर सी इन अप करवाएं। अब फिर नंबर ऑफ इंटरवल जो है उनको एंटर करवाएं, काउट एंटर द नंबर ऑफ इंटरवल्स, जितने नंबर ऑफ इंटरवल्स आ रहे हैं वो आप प्रिंट करवा देंगे। सी इन इंटरवल ये आ जाएगा, ठीक है जी। अब आ गई पीछे स्टेप लेंथ, स्टेप लेंथ क्या होती है, अप और लो, ठीक है। स्टेप लेंथ इज इक्वल टू अप माइनस लो इंटरवल, ये आ जाए। फिर काउट एन एन टोटल द स्टेप लेंथ इज स्टेप लेंथ ठीक है जी। अब आ जाए आप जो n है इसके अंदर, ये इम्पॉर्टेंट है और हम इसको राइट कर सकते हैं आफ्टर सम, यानी कि सम लेने के बाद। तो अब मैं यहाँ पर जो है वो सम वन जो है उसको डिफाइन करता हूँ, सम वन इज इक्वल टू सेवन स्टार एफ लो प्लस एफ अप, ठीक है। फिर फॉर लूप, फॉर इंट आई वन से आई लेस देन इंटरवल I प्लस प्लस, फिर ब्रैकेट शुरू, फिर सम सम प्लस मल्टी स्टार F लो प्लस I स्टार स्टेप लेंथ, ठीक है जी। उसके बाद फिर मल्टी अगली सीरीज 44 माइनस मल्टी, ब्रैकेट क्लोज, फिर सम टू स्टार
स्टेप लेंथ बाय 45 स्टार सम वन प्लस सम। अब आप लिखें नीचे काउट एन एन फाइनल वैल्यूज बल्कि कह लें फाइनल रिजल्ट बाय बोलेज रूल। बोलेज रूल सर फिर सम और एंड एल, उसके बाद गैटेज और ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, इसी को प्रोग्राम को सेकंड मेथड से भी किया गया, वो बुक में हुआ हुआ है, वो आपने सेकंड मेथड से करके आना है। फिर नेक्स्ट में मैं आपको वेडल रूल जो है उसको लिखवाऊंगा। ये जितने हम ज़्यादा प्रोग्राम करेंगे हमें पता लगेगा कैसे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो है वो होती है।